करें मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? माँ मुझे सांप ने काट लिया। बेटा मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बाबा देखिए ना मेरी बच्ची को क्या हो गया। बाबा बच्चा सांप का जहर पूरे शरीर में फैल गया है, अब तो भगवान भोलेनाथ ही तेरी बेटी को बचा सकते हैं। क्या हे भोलेनाथ जी, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की होगी तो मेरी बेटी को ठीक कर दो प्रभु। माँ मेरी बच्ची तो ठीक हो गई। जय भोलेनाथ। जा बच्चा, बाबा भोलेनाथ ने तेरी पुकार सुन ली। चल बेटा। महादेव जी के भक्त का मनु है हर महादेव जी लिखे। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। पापा चलते चलते थक गए तो पानी पी लेते हैं। ठीक है बेटा। चलो बेटा अब चलते हैं। भाई यार पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा, दारू पीने का मन कर रहा है। भाई भाई इतने में तो जम के दारू पियेंगे। नहीं ये सब हम ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे चल। अरे बेटा लगता है मेरा पर्स कहीं गिर गया। पापा अब हम लोग बाबा धाम कैसे जाएंगे, अभी बहुत दूर जाना है। बेटा तू चिंता मत कर, भोले बाबा है ना जरूर कुछ ना रास्ता निकलेगा। हे भोले बाबा आगे की यात्रा हमारी सफल कीजिए। अरे भाई तुझे क्या हो रहा है, लगता है इस पर्स की वजह से हो रहा है। दे पर्स लौटा देते हैं। भाई साहब आपका पर्स गिर गया था, आप रख लीजिए। माँ अरे बेटा तुम आ गए, चलो घर चलते हैं। माँ मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, उसके लिए न्यू ड्रेस चाहिए। बेटा न्यू ड्रेस के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम करते चलो सेठ जी से पैसे मांग के मैं तुम्हें न्यू ड्रेस दिला देती हूँ। साहब साहब मेरी बेटी के स्कूल में कल एनुअल फंक्शन, उसके लिए न्यू ड्रेस चाहिए, तो मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो। देखो शिला अभी तुम्हें काम पैसे दो दिन हुए हैं, जब तक तुम्हारे महीने पूरे नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। पर साहब। नहीं नहीं तुम जाओ यहाँ से। माँ लगता है मैं इनमें फंसे में भाग नहीं ले पाऊंगी। रो मत मेरी बच्ची, प्रभु श्री राम जी है ना सब ठीक कर देंगे। हे श्री राम जी अब आप ही कुछ करिए प्रभु। अरे वाह मैं इतने सारे पैसे की बारिश। जय श्री राम। बेटा चलो तुम्हारे न्यू ड्रेस खरीदते हैं। हाँ माँ। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जी लिखें।